अब बनबसा की फेमस शारदा मिष्ठान भंडार, भोलेनाथ के दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ। तो गाइस आज हम खाने वाले गर्मा गर्म समोसे। इतना बड़ा नींबू, इसे बोलते हैं पहाड़ी नींबू। तुमने किसमें लिया पार्ट? कोको में। तू सुबह से आज हम जल्दी उठ गए, कल जितना नहीं बट 9 बज रहे अभी। बट आज ना धूप नहीं आई यार, धूप ही नहीं आज। दिखाता हूँ आपको, देखो। अच्छा, बादल के पीछे छुप गया भाई सूरज, थोड़ी देर में आ जाएगी धूप। आसमान तो साफ ही है देखो, है ना। चलो अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नानी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किचन में नहीं कोई गुड मॉर्निंग वाला? गुड मॉर्निंग मामी बाहर गई है। चलो बाहर जाके बोल देता हूँ। अजय मेरा कुत्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एक गंदा लड़का। देखो भाई धूप आ गई अभी, नहीं बैठते दो मिनट धूप में। नहीं हो ये क्या कर रहा है? पानी पी रहा था। सुबह सुबह खेलता है मस्त करके यहाँ पे। ये सही है इसके लिए, जगह है ना यहाँ पे खुली खुली, तो इसलिए मस्त खेलने के लिए हो जाता है इसके। इस टाइम हो गया 10:30 एंड हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। एंड ब्रेकफास्ट में ना आज कुछ अलग बनाया, ठीक है। तो आज है ब्रेकफास्ट में आपका इडली, चटनी एंड सांभर। मस्त आज हम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाले हैं। ये लग गई अपनी प्लेट, ठीक है। मस्त करके इडली सांभर एंजॉय करते हैं आज। सो गाइस ये देखिए, ये छत में हो रहा है वाटरप्रूफ पेंट, बट ये चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, वाइट ना कलर आंखों में, धूप पड़ रही ना। ये देखो मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ डायरेक्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल गुड मॉर्निंग है अभी, गुड आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका 1 बजने वाला है, ठीक है। एंड हम जा रहे हैं चक्करपुर, जा रहे हैं रिचुआर में। तो जाते हैं थोड़ी देर वहीं पर चिल करेंगे, कोमल के वहाँ जा रहे हैं, एंड लंच वगैरह करके फिर अपना 4-5 बजे तक वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल प्लान यही है आज का, एंड चलते हैं। सो गाइस निकल रहे हैं, एंड रिचू भी जा रही है मेरे साथ। पीछे ना सामान जो दिख रहा है ना, ज़्यादा सामान नहीं एक्चुअली। एक सेकेंड। हाँ माऊ, कहाँ तक? गेंदा फूल। हाँ चक्करपुर तो जा रहे हैं। लंच में नहीं आएगा? नहीं लंच में नहीं, शाम को आएगा। हाँ आ जाएंगे, 4-5 बजे तक आ जाएंगे। चलो बाय। चल हाँ ठीक है, आधी को ले आएंगे। चलो बाय। सो गाइस यहाँ पे रोड थोड़ी ना वैसी है, मतलब नहीं बन रही है, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी शेक कर रही है, इसलिए कैमरा भी थोड़ा शेक कर रहा है, राइट। 5 मिनट में आ जाएगी अभी प्रॉपर वाला हाईवे, एंड वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 10-15 मिनट में। चलो शुरू करते हैं फिर। सो गाइस धूप इतनी तेज़ है ना अभी कि मतलब डैशबोर्ड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना मिरर में, ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। पानी मार के देखेंगे एक बार, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं भाई, वो तो डैशबोर्ड का रिफ्लेक्शन है, उसमें क्या पानी क्या कर लेगा उसमें, पता नहीं। कैमरे में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, बट सामने मेरे को बहुत क्लियर। पॉलिश किया क्या उन्होंने? तो शीशे में थोड़ी पॉलिश किया होगा? नहीं नहीं इसने पॉलिश किया। अच्छा डैशबोर्ड में गाइस कल पॉलिश हुई होगी, इसलिए डैशबोर्ड ज्यादा चमक रहा है। ओके चलो उसको गंदा करते हैं थोड़ी देर में, अभी इसलिए ज्यादा शाइन कर रहा है, तब जाके दिक्कत हो रही है। वही तो बोलो इतना तो नहीं चमकता यार ये। बनबसा की फेमस शारदा मिष्ठान भंडार, ठीक है। एंड इनकी ना मतलब मिठाई तो होती अच्छी है, इनके समोसे भी बहुत गजब होते हैं, तो हमने उठा लिए। अभी स्टोरी बताता हूँ पूरे को। सो गाइस जो आपको अभी शॉप दिखाई, एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि हमारा बचपन जो बीता भैया, वो बीता है बनबसा में, ठीक है, NHPC कॉलोनी में, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी शॉप थी, ठीक है, मिठाई की। एंड मतलब ये भैया थे, इनके दादा थे ना रिचू, हाँ ठीक है, तो अंकल थे, और तो वो लोग समोसे बनाते थे। एंड हम लोग हमेशा जो अपना स्कूल का इंटरवल होता था, तो हम लोग समोसे खाने जाते थे, और आप लगाओ उस टाइम पे 2 रुपये का एक समोसा मिलता था। तो मैं घर से हमेशा, नहीं 2 या 2.5 रुपये का समोसा मिलता था, हाँ मैं हमेशा घर से 5 रुपये लेके आता था, एंड 2 समोसे लेते थे। फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी रहते थे साथ में, तो हम लोग शेयर करके खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो जैसे ही हम दोबारा भी शॉप में घुसे, हम लोग गए अंदर मिठाई लेने, तो हमें वो समोसे की खुशबू हमारी नाक में गई, और वो बचपन की ना याद ताज़ा हो गई। हाँ वैसे तो समोसे की खुशबू आप सोच रहे होगे कि हर जगह आती है, बट वो पुरानी मतलब ना वही मेरे को तो वही एकदम सेम याद आ गया, पूरा मेरे को याद आ गया बचपन का। मैंने कहा भाई समोसे तो आज लेने ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं लिया हमने, थोड़े बहुत समोसे ले लिए, अभी वहाँ जा रहे हैं, सब साथ में बैठ के खाएंगे समोसे, इन्जॉय करेंगे।
तो अब यहाँ से जखुड़ा पुल आ जाएगा, 5-10 मिनट का रास्ता है, तो पहुँच जाएंगे फिर समोसे खाते हैं बढ़िया करके। अब समोसे से मुँह में पानी आने लगा, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं पूरी गाड़ी में खुशबू बस गई है, मन तो कर रहा है गाड़ी में खोल दूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट कर। आज के समोसे अभी भी बहुत फेमस है, लाइक अभी भी फेमस है भाई इनके समोसे। बनसा आओ तो भाई शारदा मिष्ठान भंडार के समोसे जरूर खाना, ठीक है। भोलेनाथ के दर्शन कर लो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चक्करपुर का शिव मंदिर आ गया, तो उसका मतलब है मार्केट अगले मोड़ पे आ जाएगा। यानी गाड़ी की ये आवाज़ ने मेरे को बहुत इरिटेट कर रही है, अभी जाते ही फरीदाबाद पहुँचते ना, ये अगले दिन ठीक करवाना है। एंड गाइस हम लोग कल वापस जा रहे हैं, जहाँ तक अभी प्लान है हम कल वापस जाने वाले हैं, बाकी शाम को पता चलेगा कि प्लान कन्फर्म है या नहीं है। गाड़ी में देखो CNG बिल्कुल नहीं भाई, पेट्रोल में चला रहे हैं गाड़ी हम। धीरू भाई और धीरू भाई काट रहे हैं सब्जियाँ। धीरू भाई नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, बताओ। बढ़िया, ऐसे बुला। ओहो, और कमल व्हाट्स अप, ऑल गुड। तो गाइस अभी हम खाने वाले गर्मा गर्म समोसे। ए, इसकी खुशबू ने गाड़ी में पूरा वो कर रखा था। चलो खा लेते हैं। इतना बड़ा नींबू इसे बोलते हैं, पहाड़ी नींबू ना, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते, बट ये इतना बड़ा नहीं होता, ये खाली दिखने में इतना बड़ा है, इसके अंदर इतना छोटू सा निकलेगा। अच्छा, इसका कवर बहुत ज्यादा मोटा है। हाँ, इतना छोटा सा भी निकलेगा, संतरे जितना तो निकलेगा। डबल लेयर नींबू है ये। हाँ। गाइस आपको दिखाते हैं खरगोश का बच्चा, ये देखो कितना है। बच्चा है ना ये, अभी बड़ा ही है, मतलब अगर यहाँ से छूट गया ना ये इतना गोली भागेगा ना, दिखेगा नहीं, वो नहीं भागेगा। सुना रहा है घास हो, क्योंकि मैं ग्रीन कलर खाना शुरू करेगा। कैसे देख रहा है हमें, गुस्से से देख रहा है। तो इसका एक कान ऊपर एक कान नीचे है। नो 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 नो, भागने की ताक में है। नो 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 नो, रिचो डॉग थोड़ी है, आप ही लगाएंगे ना। भैया 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 जा, जल्दी पकड़ो गाइस, ब्लैक कलर का ब्राउनी ने बच्चे दिए, देखो उस दिन भी दिखाए थे मैंने, उस दिन दो ही दिखाए थे, आज देखो सारे 6 बच्चे हैं ना। आंखें भी नहीं खुली है इनकी, तो अभी तो आंखें खुल गई हैं। कितने हो गए, 20-22 दिन के हो गए। गाइस हम एक राउंड आ गए हैं आदि के स्कूल, उसको ना स्कूल से पिकअप कर लेते हैं आज, उनसे आदि को पिकअप कराते हैं स्कूल से। कैसा था स्कूल? बढ़िया। स्पोर्ट्स? बढ़िया चल रहे हैं स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं। क्या चल रहा था आज? तो कबड्डी खो खो हुआ था। तूने नहीं लिया पार्ट किस में? नहीं, अब मेरा 19 तारीख से है। तूने किस में लिया पार्ट? खो खो में। खोखो में? तू कबड्डी वड्डी में लेता है, मस्त खोखो में भी खेलता है बचपन में। लगता है ना कॉलर बन जाती है उसमें, शॉर्ट ऐसे। मैंने खेला बचपन में कबड्डी, जीता भी हूँ भाई फर्स्ट प्राइज। लग चुका है एंड बॉक्स में बैठ गए खाना खाने, तू भी आ जाओ। आ जाओ, लंच कर लेते हैं गाइस फटाफट, एंड साथ में थोड़ा टीवी देख रहे हैं। गाइस यहाँ कोमल के घर के पीछे ना रेलवे ट्रैक है, ठीक है, एंड इधर से ना दिल्ली की ट्रेन भी आती है। ओके देखो मस्त लग रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके मैं ईशू रिचू हम लोग फोटोज़ खिंचवा रहे थे, अभी खींच लिए फोटोज़। हाँ फोटोज़ ना, क्योंकि सूरज वहाँ पे था ना, देखो तो बहुत अच्छा एक्सपोजर आ रहा था यहाँ पे एंड बहुत अच्छी फोटोज़ आ रही थी। तो अभी चलते हैं वापस, गिरा रास्ता पतला है, यहाँ से चलते हैं वापस घर को भाई, थोड़ा ना खाना भी डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे चलने में। ईशू स्कूटी से आई थी, तो ईशू और रिचू जा रहे हैं, क्योंकि ना अभी धूप है ना, अब उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तो इनको थोड़ा जल्दी भेज रहे हैं एंड मैं आती पीछे से आते हैं गाड़ी में। ठीक है चलो जाओ आराम से। बुबू ठीक हो? फोटो खींच लो, ये तो टोपी निकाल कर ले लो। बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, हीरो। फोटो खींच ली फोटो, चलो कोमल बाय बाय नन्नू बाय बाय बाय। चलो देर में जा रहे हैं एंड ये है मिस्टर रुद्र, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम गुड, चलो बाय। निकल चुके हैं फिलहाल, ये जंगल का रास्ता है, तो यहाँ पे पूरा घूप अंधेरा है, ठीक है, कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं भाई यहाँ पे, बट छोटा सा पैच है, ज़्यादा बड़ा पैच नहीं है,
मतलब मेरे ख्याल से आधे एक किलोमीटर का पैच हो गया है या एक किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा, ख़त्म भी कर लिया हमने। देखो अभी लेफ्ट मुड़ते ही ना, ये जो हल्का सा लेफ्ट टर्न है जहाँ रोड बेंड हो रही है, बस ये देखो यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही आपका जगपुड़ा पुल आ जाएगा बढ़िया करके। ट्रैकर में जा रहे हैं बच्चे खुश होते हुए मस्त करके, ये जैसे टर्न लेंगे ना जगपुड़ा पुल आ जाएगा सामने। पर ट्रैफिक रहता है इस रोड में अच्छा खासा, अभी तो 6 बज रहे हैं, देखो 6 बजे इतना अंधेरा हो गया भाई, 6 भी नहीं बजे अभी इतना अंधेरा हो गया। सर्दियों का दिन है, छोटे दिन बाहर हो रहे, ठंडा गजब। हम बनबसा पहुंच गए एंड फिलहाल ये ना बनबसा का बस स्टैंड है, देखो साइड में बसेस लगी है, सारी दिल्ली विल्ली की बसेस हैं दिल्ली देहरादून के लिए। हमें जाना पड़ेगा अंदर मार्केट में क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है, ठीक है। तो यहाँ से पड़ता है पाटनी तिरा पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हम बनबसा मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ये सीधे हाईवे जा रहा है। तो अभी लेते हैं यहाँ से राइट, यहाँ से हम आगे जाके एंटर हो जाएंगे बनबसा मार्केट में। फटाफट ना सामान लेके आते हैं क्योंकि अंधेरा होने लगा है एंड घर भी पहुँचना है टाइम पे। आज कुछ छोटे मोटे काम भी हैं घर में अपने, तो वो भी करने हैं। वापस आ गए हम बनबसा, सामान भी उठा लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 5 मिनट लगे बस खाली, अभी पहुँचते हैं घर 2 मिनट में। आ गए वापस एंड आदि आके अभी गेट खोलेगा, जाओ भाई जल्दी गेट खोलो। चुके हैं एंड नियो शोर बताने चालू कर दिया, आ रहा हूँ बेटा आ रहा हूँ अंदर ही आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरे कुत्तू क्या हुआ, अच्छा आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? नो सो गाइस फिलहाल ऊपर आ गए ठीक है एंड ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं अपना। और बहुत ठंडा हो रहा है, खतरनाक वाला ठंडा हो रहा है, तो कंबल उड़ के बैठ गया, कंबल के अंदर भी ठंडा लग रहा है, इसके ऊपर एक और रजाई डालनी पड़ेगी फिर बैठते हैं। एंड गाइस अभी कल सुबह जाने का प्लान पक्का है, मम्मी लोगों से पूछा मैंने तो कल जाने का प्लान तो पक्का है, कल सुबह तड़के में निकल जाएंगे हम फरीदाबाद के लिए। एंड कल शाम की भी कुछ प्लान हो सकते हैं, कल तो वापस जाएंगे, पूरा दिन जाने में लग जाएगा बता आपको। एंड बट कल शायद हो सकता है शाम को मैं बाहर जाऊँ, कहीं बिग डैडी वगैरह वीर भाई लोगों से मिलना है, निखिल से मिलना है, कुछ काम है छोटे मोटे। तो अपना जो डीजेइंग वाला वर्क है ना उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, कुछ हैं कॉल्स जो लेने हैं तो बताएंगे आपको, कल बताएंगे वो। सो गाइस 11 बज चुका है, व्लॉग वगैरह मैंने एडिट करके टाइम पे डाल दिया है ठीक है। एंड अभी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है एंड कल जाना भी आपको पता है कल इतना लंबा रूट है। सो गाइस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म एंड आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के व्लॉग्स।